हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता वर्मा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आपके कमेंट्स जो आप लोगों ने किए थे, उन कमेंट्स के आज मैं आपको जवाब देने वाली हूं, यानी कि आपके सवालों के जवाब होने वाले हैं आज। तो अगर आपने मेरी कोई वीडियो पे कमेंट किया है जिसका आपको जवाब नहीं मिला है, तो वो आज आपको इस वीडियो में मिल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर हो गया है ज्वाइन बटन ओपन कर लिया है मैंने। अगर आप मेंबरशिप चाहते हैं, उसके बेनिफिट चाहते हैं, तो जाइए मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर लेना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो लेते हैं आज आपके कुछ सवालों के जवाब। तो कुछ लोगों के जवाब है जो थोड़े से फनी भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के जवाब है जो हाँ भी देने का भी मतलब मन कर रहा है कि हाँ मैं आपके इन सवालों के जवाब भी दूं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये है समीम खान का। तो ये पूछते हैं कि मैम कहाँ से मिलेगी मशीन। तो इन्होंने ये जो कमेंट किया है ये टेंस मशीन के ऊपर किया है, यानी कि जो मैंने एक टेंस मशीन का आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, जिसमें फिजियोथेरेपी के लिए टेंस मशीन जो यूज होती है, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से मिलेगी। तो भाई आप वीडियो देख लेते, बट कोई नहीं, ये मशीन आपको कहीं भी मिल जाएगी। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, ये आपको नॉर्मली किसी भी मार्केट में मिल सकती है इजिली, या फिर आप डिस्पेंसरी वालों से आपके आसपास जहाँ इलेक्ट्रिक सामान मिलता है वहां पर भी आपको ये इजिली मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप ये लेते हैं सैटर्न बाय जीएससी का, जो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें एक मैडम पूछ रही है कि मैम मेरे फेस पर टाइनी बम्स हैं, क्या इस सीरम से ठीक होगा, प्लीज रिप्लाई। ये है मिस निमिता। तो मिसेज निमिता जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो सैटर्न बाय जीएससी का जो मैंने आप लोगों के साथ सीरम का जो रिव्यू शेयर किया था, तो इस ये मुहासों के लिए नहीं है, पिंपल्स के लिए नहीं है, ये आपके अगर डार्क स्पॉट हैं या फिर आपको पिगमेंटेशन है स्पेशली उसी के लिए ही है। तो आप ऐसे तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इस जो आप पूछ रही हैं ये उसके लिए नहीं है। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रही है मीत एजुकेशन पॉइंट पूछ रहे हैं यहाँ से, सैटर्न बाय जीएससी कितने का है ये। सॉरी, तो देखिए ये कितने का है, इसका जो रेट है मैंने ऑनलाइन मंगाया था आपको, इसका जो रेट है 500 में भी मिल जाएगा आपको, 600-700 में, यानी कि ये थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है ऑनलाइन में, और ये आपको नॉर्मल मार्केट पे भी मिल जाएगा। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था, सॉरी अमेजोन से मंगाया था, क्योंकि अमेजोन में मेरे को 500 रुपये का पड़ा था और ये फ्लिपकार्ट में मुझे 600 का पड़ रहा था। तो लिंक दिया गया है, आप उस पर एक बार जाकर चेक कर लीजिए, रेट थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम त्रिदिशांक गूगल और चंद्रप्रभावटी के बारे में, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा है नेहा जी ने, नेहा गुर्जर करके हैं, प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या। तो देखिए प्रेगनेंसी में आप इसे लेने के लिए सबसे पहले, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इस दवा को लीजिए, क्योंकि ये मैंने साइटिका के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप इस प्रेग्नेंट है तो इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर इसे कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है अजय राणा जी, जो इनका जो कमेंट है वो बहुत ही मतलब मुझे काफी देर तक मैं हंसी, और इन्होंने शायद मजाक भी किया है कुछ नहीं, चलो देख लेते हैं इनका कमेंट क्या है। इस सीरम को पी सकते हैं क्या ताकि ज्यादा फायदा मिले। तो भैया ऐसा है कि आप इसे अभी तक तो सीरम को लगाया जा रहा था और आप बोल रहे हैं कि इसे पी सकते हैं, तो इसे बिल्कुल नहीं पी सकते, गलती से भी नहीं पी लेना है इसको, इसे सिर्फ लगा सकते हैं आप, ये पीने के लिए नहीं है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो आपने कमेंट किया था इसका जवाब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम लोग, ये भी सैटर्न बाय जीएससी के लिए ही है, ये दीपाली जी पूछ रही है, हाई फाउंडेशन से पहले लगा सकते हैं, इसे फाउंडेशन से पहले लगा सकते हैं। इसका लगाने का तरीका बिल्कुल ईजी है, क्योंकि मैंने भी लगाया और मैं दूसरी बॉटल भी ऑर्डर कर दी है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सैटर्न बाय जीएससी का, मुझे पिगमेंटेशन है इसलिए पिगमेंटेशन में काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, मेरे स्किन के ऊपर काफी अच्छा रिजल्ट है। तो इसे आप फाउंडेशन से पहले लगा सकते हैं, इसे 2 टाइम लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं, कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, कुछ भी क्रीम भी लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये त्रिदिशांक गूगल और चंद्र प्रभावटी के बारे में ही है, साइटिका के बारे में। तो ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ है और आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आपको साइटिका है। तो
तो चलिए ये मैम पूछ रही, सुधा है, सुधा जी हैं, तो ये पूछ रही, आई एम टेकिंग दिस टू मेडिसिन आफ्टर मील्स, इट्स ओके, इवन आई एम हैविंग अ साइटिका पेन प्रॉब्लम. बिल्कुल आप इसे खाने के बाद ही लीजिए, अगर आपको साइटिका है तो आप इसे खाने के बाद भी सुबह और शाम ले लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद लिया है और एलोपैथी से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है. और मैं तो आपको यहाँ भी ये भी सजेस्ट करूंगी, इंडिया टीवी पर रोज बाबा रामदेव जी का जो है योग करवाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताते हैं वो, और योग करिए, प्राणायाम कीजिए, बहुत असर होता है, मैंने खुद कर रही हूँ और मुझे अब मैं बोल रही हूँ कि 95% मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, 5% अभी भी बाकी है, लेकिन अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये भी बिल्कुल खत्म हो सकता है. एलोपैथी में इसका ऐसा कोई इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेदिक में है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. ये है सत्यम आयुर्वेदा क्रीम के लिए. जो सत्यम आयुर्वेदा क्रीम मैंने आप लोगों के साथ की थी, जो एकदम फेक थी, कुछ लोगों को वो अच्छी लगी, लेकिन उसके कमेंट्स ज्यादातर पॉजिटिव ही थे कि जो वीडियो उनको मेरी अच्छी लगी. तो ये क्वेश्चन है राहुल जी का, तो वो पूछ रहे हैं, मुझे भी फेस पर यही प्रॉब्लम है, बहुत इलाज कराया बट कोई फर्क नहीं हुआ, ये क्रीम बेस्ट है इस प्रॉब्लम के लिए, इसको कैसे यूज करना है? तो देखिए, यूज करने का कोई खास तरीका है नहीं, इसको रात में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आप गर्मी में इसको सन के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो ये आपके स्किन को डैमेज कर सकती है, इसलिए आप इसको रात में ही इस्तेमाल करना है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं. बट ये क्रीम अच्छी नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में भी बता रही हूँ. सत्यम आयुर्वेदा क्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, उसमें बहुत सारा स्टेरॉयड है जो आपकी स्किन को और ज्यादा खराब कर देगा. तो चलिए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, जो मुझसे इंस्टाग्राम पर ही पूछा है इनमैन ने, तो वो भी सेटल बाय जीएससी के बारे में ही वो पूछ रही है. जिया जी है, वो पूछ रही है कि क्या ये जो रिव्यू है ये ऑनेस्ट है? बिल्कुल ऑनेस्ट है. आप अगर आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, या फिर आपकी स्किन है जो अनइवन टोन है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं. ये बहुत ही अच्छा सीरम है, मेरे स्किन पे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जो रिव्यू करती हूँ वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि स्किन अलग होती है, बॉडी अलग होती है, खाना पीना हर चीज अलग होती है. तो इसका अच्छे से मैंने है जो काफी लोगों को ये पसंद आया है सेटन बाय जीएससी का, इसके काफी पॉजिटिव कमेंट आए हैं, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकती हैं. हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है ये, बट रिजल्ट इसने अच्छे दिए हैं मुझे, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपने यही पूछा है कि आपने जो रिव्यू दिया है वो सही है क्या? बिल्कुल सही है, कोई भी झूठा रिव्यू नहीं देती हूँ मैं, जो खुद इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो आप इस उसमें मत रहिए कि मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो झूठा है, बिल्कुल नहीं, वो एकदम ऑनेस्ट होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और अब मेरा एक नया चैनल है, ब्लॉग चैनल, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इस पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो भाई क्वेश्चन कमेंट कीजिए, मैं आपके इन सवालों के जवाब भी दूंगी. तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर.